तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने 6 ट्रायल पॉइंट्स में क्या क्या लिया है। ये 1, ये 2, ये देखो ये फ्री वाला है, मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। 3, 4, 5 और ये वाला 6। तो मैंने ये टोटल 6 ले लिए हैं। इसके अलावा हमें क्या मिलता है, फ्री गिफ्ट। तो यहाँ पर से आप फ्री गिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लेते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। व्यू ऑल में जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आपको जो भी फ्री में लेना है, ये लेना है या ये वाला लेना है, जैसा भी है उसकी डिटेल पूरी दी रहती है, तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये सेलेक्टेड ही है ऑलरेडी। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये वाला मैंने फ्री में ले रखा है, मीन्स फॉर 0 ट्रायल पॉइंट। ये वाला आप देख सकते हैं ना, 0 ट्रायल पॉइंट का है ये वाला, ठीक है, ये फॉर 0 ट्रायल पॉइंट है ना, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक और था जो कि मैंने 0 में लिया है, ये वाला देखो, ये भी 0 ट्रायल पॉइंट का है। मैं आपको चेक करा देती हूँ, ये देखो कॉस्ट इतना दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 ट्रायल पॉइंट। तो ऐसे कई सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको 0 ट्रायल पॉइंट पे मिल जाएंगे। करीबन 10 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो जो भी अवेलेबल होगा, अभी ये वाले अवेलेबल हैं तो मैंने इनको ऐड कर लिया है, और अगर कुछ और अवेलेबल होगा तो आप दूसरे भी ऐड कर सकते हैं। और जो अवेलेबल नहीं है वो बीच बीच में रिपीट होते हैं और अवेलेबल हो जाते हैं, तो जो भी अवेलेबल। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे सिर्फ पे करना है 185। कैसे 185? अगर आप भी चाहते हैं कि 185 ही पे करें, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो कूपन है ना, NTEW50, ये आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने डाल दिया है इसलिए मेरे 50 रुपीज सेव हो गए, अदरवाइज यहाँ पे 235 रुपीज पे करने होते हैं, बट मुझे 50 रुपीज सेव हो गए तो मुझे 185 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। NTEW50 इसमें सबसे ज्यादा सेव होता है। इसके अलावा और भी कई कूपन्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बट अभी जो सबसे हाईएस्ट जो 50 रुपीज सेव करवा रहा है वो ये वाला कूपन है, तो इसी को अप्लाई करिए। तो यहाँ पर देखिए 185। अब मुझे जाना है प्रोसीड टू पेमेंट। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो आपने ऑलरेडी यूज कर लिए है ना, जो भी प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो आप दोबारा से नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको नए तरीके से नए फोन पे या फिर नए नंबर के साथ आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये मैं दूसरे नंबर से मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे चले जाएंगे, 185 ही मुझे पे करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दिया जो कि मैं अभी नहीं दिखा रही आपको, और यहाँ पर हमने कर लेना है सेव एड्रेस, ठीक है। तो सेव एड्रेस करने के बाद आपको जाना है प्रोसीड टू पेमेंट। अब प्रोसीड टू पेमेंट में आप देखेंगे 185 आप तब पे करेंगे जब आप किसी UPI पेमेंट के थ्रू पे करते हैं, पेटीएम। बट अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 रुपीज चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। तो इससे बचने के लिए आपको UPI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट्स वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ से पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेमेंट कर दी है, तो ये मेरे सारे प्रोडक्ट यहाँ पे कंफर्म हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप फिर से होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 6 ट्रायल पॉइंट्स फिर से मिल गए हैं, ठीक है। और आपको अपना ऑर्डर देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप मेन्यू पे जाकर यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री पे चले जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 185 रुपीज पे किए हैं और ये मुझे देखो कब मिल जाएगा, 25/8 को मुझे ये रिसीव हो जाएगा। और प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 6 ट्रायल पॉइंट लेफ्ट लिखा है, इसमें आपको दोबारा से 6 ट्रायल पॉइंट मिल जाएंगे जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और 185 जो अमाउंट पे किया है वो वॉलेट मनी में ऐड हो जाएगा। तो जब ये वॉलेट मनी 700 हो जाता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी परसेंटेज रहता है कि इतना परसेंट आप यूज़ कर सकते हैं, 20%, 30% इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं ये स्मिटन बग्स पे, ये अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि अभी तक मैंने किसी को रेफ़र नहीं किया हुआ है इस वजह से। तो नीचे आप देख सकते हैं रेफरल रेफर एंड अर्न इसमें दिया हुआ है ना, इसमें आपको 200 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं अपने फ्रेंड को तो उसको भी 6 ट्रायल पॉइंट मिल जाता है और आपका फ़ायदा हो जाता है कि आपको 200 स्मिटन बक्स मिल जाते हैं। और एक और तरीका है स्मिटन बक्स को लेने का कि आपने जितने प्रोडक्ट अभी लिए हैं, जैसे मैंने अभी मेरे उसमें दिखा रहा था कि ना 9 प्रोडक्ट्स हैं, तो जब वो 9 प्रोडक्ट के लिए मुझे जब रिव्यू के लिए मांगेगा तो हर एक प्रोडक्ट का मुझे 5 स्मिटन बक्स मिलेंगे, ठीक है। तो 45 मुझे स्मिटन बक्स मिल जाएंगे इस तरीके से और ऐड हो जाएंगे। मैं किसी को रेफ़र करूँगी तो 200 आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जब ये 400 हो जाएंगे ना तब मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपनी विश लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर रखा है क्योंकि ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, मैं दूसरे फ़ोन से कर रही हूँ यहाँ पर आपको जो दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पे विश लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जो अपने मेन अकाउंट में ऐड कर रखा है वो कर रखे हैं सारे के सारे 0 ट्रायल पॉइंट्स पे वाले प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली विश लिस्ट में जाकर आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने कार्ट में।